जिंदगी को जी ले आ मुसाफिर, उसे समझने की कोशिश ना कर। लाख रास्ते हैं इस जहां में, तू बस चल उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। दरिया के किनारे बैठे बैठे आज लहरों ने हमें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जिसे सिर्फ बोल कर या पढ़कर नहीं व्यक्त कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं सुकून के एक नए एहसास का। पूरी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय का एक कोना इसी बात का प्रमाण है। खैर, हम आ ही गए हैं तो चलिए आपको भी रूबरू कराते हैं मंझौल में स्थित एशिया के सबसे शुद्ध मीठा झील से। ये कोई मामूली झील नहीं है, बेगूसराय का एक पहचान भी अगर बोले तो कम नहीं होगा। वो झील जिसकी पानी का मिठास भारत के लोग नहीं अभी तो दूसरे देश की पंछियों को भी भा जाता है। हरे भरे खेतों के बीच में झील लगभग 2620 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 100 से अधिक पंछियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। विदेशी पंछी अपने बसेरे के प्रबंध में यहाँ आते हैं। साइबेरियन क्रेन भी अक्सर यहाँ देखने को मिलता है। हाल ही में कावड़ झील को रामसर साइट में घोषित किया गया है। घने जंगलों के बीच कावड़ झील एक अलग ही सुंदरता बिखेरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। हरे भरे जंगल लंबे लंबे पेड़ों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये कावड़ का समूचा इलाका है। पानी के बीच में कमल का पुष्प एक अलग ही आनंद देता है। जंगलों में तरह तरह की पंछियों की आवाज किसी मधुर ध्वनि से कम नहीं लगती। झील से सटे थोड़ी दूर पर बस्तियों में लोग रहते हैं जिनका जीवन यापन इसी झील से होता है। नाव पर सवार ये नाविक लोगों को नौका विहार करवाते हैं। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो नौका विहार का आनंद तो अवश्य लेते हैं। नाव पर सवार होकर जो आनंद आता है वो शायद ही कहीं और हो, इसकी बात ही निराली है। दोस्तों के साथ नाव पर बैठकर झील के बीच जाने में जो मजा है वो कहीं और नहीं मिलता। प्रेमी जोड़े भी झील का लुत्फ नाव पर सवार होकर लेते हैं। तेरी कश्ती पर चलने वाला मैं मुसाफिर, लगता है इस कदर ही बीतेगी हमारी जिंदगी। झील से ही कुछ दूरी पर है माँ जय मंगला का मंदिर। मान्यता ये है कि सच्चे मन से मांगने पर हर मुराद पूर्ण होती है। सुबह सुबह श्रद्धालुगण यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। देश के 52 शक्ति पीठों में शुमार जयमंगला स्थान में माँ के मंगलकारी रूप माता जयमंगला की पूजा आदि काल से होती आ रही है। झील के किनारे ही बस्तियों में लोग रहते हैं और सवाल बस यही रहता है हमेशा, कैसे नावों को बनाते हुए और नावों को खेवते हुए उनका जीवन यापन होता है। इनका रोज का दिनचर्या भी इसी झील से नजदीक से मर जाता है। खाने की चीजों को भी ये लोग झील से ही प्राप्त करते हैं। हर तरह के लोग आते हैं यहाँ, मगर इनकी जिंदगी तो बस ये झील ही है। झील से सटे इन टीलाओं का भी विशेष महत्व है। लोग कहते हैं कि कुल 4 टीलाएं हैं। अलग अलग टीलाओं का अलग अलग मान्यता है। आदि काल में 4-4 जगह मिट्टी को बारी बारी से 4 अलग अलग जगह फेंका गया, जिसके कारण ये टीलाएं अभी तक ऐसी दिखती हैं। ये टीलाएं अपने आप में बहुत सारी कहानियों को समेटे हुए हैं। इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ प्राचीन काल से बौद्ध स्तूप है। शाम के समय टीलाओं पर से जो नजारा दिखता है वो कावड़ का सबसे सुंदर दृश्य में से एक है। ऐसा लगता है जैसे समंदर में सूर्य समाहित हो रहा है। इन टीलाओं को दिखाने का मकसद ही कावड़ की एक अलग खूबसूरती को दिखाना है, जो शायद अभी तक कोई नहीं दिखाया। मन को मोहने वाला ये दृश्य मन से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। इनके ऊपर से कांवड़ का एक अलग ही नजारा दिखता है। ऐसा लगता है समंदर को हम पहाड़ के ऊपर से देख रहे हैं। कांवड़ झील एक अलग अमूल्य धरोहर के रूप में हमें मिला है। बुजुर्ग कहते हैं 12 कोश बरेला 14 कोश का बरेला पूरा तत्व महत्व का बौद्ध काल स्तूप इसी क्षेत्र में स्थित है। कावड़ झील, जिसे स्थानीय लोग कावड़ ताल भी कहते हैं, अगर कभी मौका लगे तो जरूर आइए यहाँ। न जाने क्यों जाने के बाद बार बार यहाँ जाने का मन करता है। आइए एक बार प्रकृति की एक अलग नजारे का लुत्फ उठाने। कहते हैं ना, जो छूट गया उसका क्या मलाल करें।
जो हासिल है चलो उसी से सवाल करें। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर ही रहेंगे। चलते चलते आखिरी में बस यही रह गया, कुछ देर और रुकता तो शायद कुछ और जान पाता। खैर, मिलेंगे हम फिर कहीं एक नए मोड़, एक नए पन्ने पर।